हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज के बैक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है, शोल्डर है 5.5 इंच, आर्म होल है 6 इंच और ये ब्लाउज 36 साइज पे है, 36 साइज पे। 36 का एक चौथाई लेंगे 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर का एक चौथाई लेंगे 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए। गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, गले की लंबाई लेंगे 10.5 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और निशान को इस तरह से बराबर में मिला देंगे। निशान को मैंने बराबर में मिला दिया है। अब देखिए, एक निशान लगाएंगे 3 इंच पे, 3 इंच पे और इस तरफ से लगाएंगे 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे। और फिर देखिए, इस तरह से हम नेक का शेप कर देंगे। तो नेक का शेप मैंने कर दिया है। अब इस पे एज इट इज़ कटिंग करेंगे। इस तरह से इसी निशान पे हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। तो गले की कटिंग मैंने कर ली है। अब मेन फैब्रिक यानी मेन जो कपड़ा है, इसकी सीधी साइड ऊपर की ओर करते हुए रखेंगे। ऊपर से अस्तर वाले कपड़े को रखेंगे और पिन अप करेंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे गले के डिज़ाइन पे सिलाई करेंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा दिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और फिर सेंटर पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे कट कर लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर लिया है। अब छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे पूरे गले के डिज़ाइन पे इस तरह से, ताकि जब हम अस्तर वाले कपड़े को उल्टे तरफ पलटेंगे तो हमारे नेक का फिनिशिंग बिल्कुल बराबर में आए। और अब देखिए, मैंने अस्तर वाले कपड़े को उल्टे तरफ पलट लिया है और फिर कॉर्नर का सिलाई हमें कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से देखिए, हमें कपड़े को बराबर करते जाना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है बराबर करते जाएंगे और फिर नेक की सिलाई कर लेंगे इस तरह से, कॉर्नर की सिलाई। तो आप देख सकते हैं, मैंने कॉर्नर की सिलाई गले पे अच्छे से कर लिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और अब हम चारों तरफ दोनों कपड़े को जॉइंट करेंगे सिलाई करते हुए। हाथ से कपड़े को बराबर करते जाना है और कॉर्नर की सिलाई करते हुए दोनों कपड़े को जॉइंट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दिया है। अब साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है इसे कट करेंगे। इस तरह से चारों तरफ हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। इसी तरह से मैंने देखिए चारों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इसे साइड करते हैं। डिज़ाइन के लिए एक पट्टी लेंगे। पट्टी की चौड़ाई 3 इंच है। पट्टी को सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने सिलाई लगा दिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। तो देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। अब इसे सीधा कर लेना है। तो किसी चीज़ की मदद से हम इस वाले पट्टी को सीधा कर देंगे और अब देखिए, हाथों से इस तरह से करते हुए इसे प्रेस कर देंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे। और डिज़ाइन के लिए अब इसे कट करना है। तो 4 इंच की लंबाई रखते हुए, 4 इंच की लंबाई रखते हुए हम इसे कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने फोल्ड करते हुए बराबर में कट कर लिया है। अब इससे हम डिज़ाइन बनाएंगे हैंड स्टिच करते हुए। तो जिस तरफ देखिए हमने सिलाई लगाया है, इस तरफ सिलाई नहीं करेंगे, तो इसकी दूसरे तरफ ही हमें इस तरह से सिलाई करना है। छोटी छोटी सिलाई हम इस पर डालेंगे और फिर अच्छे से गांठ लगाते हुए इसे पक्का कर देंगे। और एक डिज़ाइन मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो देखिए, जिस तरफ मैंने सिलाई किया है उस तरफ सिलाई को नहीं करना है। इस तरह से देखिए, दूसरे साइड से हमें हैंड स्टिच करनी है और अच्छे से गांठ लगा देना है। और फिर इसी तरह से हम सारे डिज़ाइन को बना लेंगे, जितनी भी ज़रूरत होगी हमें ब्लाउज में। तो यहाँ पर सारे डिज़ाइन मैंने बना लिया है। अब इसे साइड करते हैं। अब देखिए, एक पट्टी लेंगे। पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच है, 1.5 इंच, और इसे सेंटर से फोल्ड करते हुए डोरी बनाएंगे सिलाई करते हुए। साइड से मैंने सिलाई लगा दिया है और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है इसे भी मैंने कट कर लिया है। अब इस डोरी को हमें सीधा कर लेना है और यहाँ पर ये डोरी हमको ज़्यादा पतली डोरी नहीं बनानी है, यानी चौड़ी डोरी ही हमें बनानी है। तो इस तरह से देखिए, मैंने डोरी को सीधा कर लिया है और इसे हाथ से इस तरह से नाखून से प्रेस कर देंगे और फिर एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और इसे अब डिज़ाइन के लिए कट करेंगे। तो 1.5 इंच की लंबाई रखते हुए हम इसे कट करेंगे। तो पहले देखिए, हाथ से बराबर कर लेंगे प्रेस करते हुए और डिज़ाइन के लिए अब कट कर लेंगे। 1.5 इंच लेते हुए, 1.5 इंच लेते हुए हम इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से देखिए, मैंने सारे डोरी को कट कर लिया है। अब इसे साइड करते हैं। अब हम ब्लाउज के बैक पार्ट को लेंगे और जो हमने लूप्स को अभी कट किया था डोरी को, इस वाले डोरी को हमें ले लेना है और ब्लाउज के ऊपर से हमें 2 इंच की दूरी पर हमें इस वाले लूप्स को इस तरह से लगाना है। यानी एक एक डोरी को हमें लेना है और फोल्ड करते हुए इस तरह से थोड़े थोड़े दूरी पर हमें इस वाले लूप्स को बना लेना है सिलाई करते हुए।
ऊपर से 2 इंच के गैपिंग हमें छोड़ना है और फिर हम डोरी को इस तरह से फोल्ड करते हुए लगाएंगे। थोड़े थोड़े दूरी पर लगाना है पूरे नेक के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। जितनी भी डोरी हमें ज़रूरत हो हमें डोरी पहले ही सिलाई करके रख देनी है। और फिर देखिए इस तरह से हम थोड़े थोड़े दूरी पर एक एक लूप्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए बराबर में बैक पार्ट के साथ जॉइंट करेंगे। और इस साइड से देखिए हमें दोनों पल्ले को इस तरह से मिला लेना है, यानी चेक कर लेना है ताकि कोई भी लूप्स ऊपर नीचे ना हो, बराबर में हो। तो देखिए मैंने बराबर में लूप्स को सारे लगा दिया है। और फिर देखिए अब जो हमने ये डिज़ाइन बनाया था इस वाले डिज़ाइन को इस तरह से नेक वाले पार्ट के साथ इस तरह से बराबर में रखना है। बराबर में इस तरह से पहले मिलाते हुए रख लेना है अच्छे से चेक करते हुए इसे मिलाकर रख दिया है। अब इसे साइड से सिलाई करते हुए जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें सिलाई करते हुए सारे डिज़ाइन को बैक पार्ट के साथ जॉइंट कर लेना है। तो देखिए मैंने सारे डिज़ाइन को जॉइंट कर ली है। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और अब देखिए जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है ऊपर के साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है इसे कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए सारे एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर ली है। और अब इस पे हम टक्स की सिलाई करेंगे, साइड से फोल्ड करेंगे और 4.5 इंच यानी 4.5 इंच की लेंथ रखते हुए हम टक्स की सिलाई कर लेंगे। और इसी तरह से अब दूसरे साइड भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर 4.5 इंच 4.5 इंच की लेंथ रखते हुए टक्स की सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ टक्स की सिलाई मैंने बराबर में कर दिया है। अब नीचे का साइड कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी लेनी है। बैक पार्ट के ऊपर पट्टी को हमें इस तरह से रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई कर लेना है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और फिर पट्टी को इस तरफ करना है और फिर पट्टी के ऊपर से ही एक स्टिच कर लेना है। इस तरह से सिलाई मैंने लगा दिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और पट्टी को उल्टे तरफ डबल फोल्ड करते हुए इस पर रफ स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए मैंने रफ स्टिच लगा दिया है। अब इस पर हम लेस लगाएंगे। तो कॉन्ट्रास्ट में देखिए मैंने लेस लिया है और बैक पार्ट पे देखिए गले के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें लेस को इस तरह से कॉर्नर की सिलाई करते हुए लेस को अच्छे से बराबर में जॉइंट करेंगे। और फिर कॉर्नर पे देखिए लेस को अच्छे से फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और फिर लेस को घुमाते हुए पूरे नेक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सिलाई कर लेना है। तो देखिए मैंने सिलाई कर दी है। लेस को अटैच कर दिया है सिलाई करते हुए। एक्स्ट्रा धागे को भी कट करेंगे और एक्स्ट्रा लेस को भी कट करेंगे और अब लेस के दूसरे साइड से भी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए दोनों तरफ लेस की मैंने सिलाई कर ली है। अब एक्स्ट्रा धागे का और एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे। नेक की सिलाई हो गई है। अब इस पे हम डोरी अटैच करेंगे। तो आप कोई भी रेडीमेड डोरी ले सकते हैं। और जो हमने ये लूप्स बनाया है सारे लूप्स के सेंटर पे हमें डोरी को इस तरह से डालना है। तो इस तरह से देखिए सारे लूप्स के अंदर हमें डोरी को अच्छे से डाल लेना है बराबर में करते हुए। आप चाहे तो आप रेडीमेड डोरी की जगह कपड़े की डोरी भी बना सकते हैं और उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सारे लूप्स के सेंटर पे मैंने डोरी को डाल दिया है। और फिर देखिए अब हमें लेंथ जितना भी रखना है डोरी की उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से डोरी को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से डोरी को बढ़ा ले रही हूँ और फिर जितना भी लेंथ हमें रखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने डोरी को अच्छे से कट कर लिया है। अब इस पर हम फ्लावर अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमें 2 कपड़े का स्क्वायर पीस लेना है। एक की चौड़ाई 2.5 इंच है 2.5 इंच और दूसरे का 4 इंच है 4 इंच दोनों तरफ से लंबाई और चौड़ाई। कॉर्नर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर डोरी को सेंटर पे इस तरह से रखेंगे। और फिर देखिए दोनों तरफ कॉर्नर से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फिर और एक बार सेंटर से फोल्ड करना है और साइड से सिलाई करते हुए इसे पक्का कर लेना है। और अब हम इसके जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है इसे कट कर देंगे। और अब हम इस पे दूसरे वाले स्क्वायर पीस को जॉइंट करेंगे। तो उसे देखिए हम इस तरह से कॉर्नर से फोल्ड करेंगे। इस तरह से कॉर्नर से फोल्ड करना है और सेंटर पे डोरी को रखना है और साइड से फोल्ड करते हुए डोरी के साथ इसे सिलाई करते हुए जॉइंट कर लेना है। तो देखिए मैंने बराबर में सिलाई कर दी है। अब साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और सीधा कर देंगे। तो देखिए मैंने सीधा कर दिया है और ये हमारा फ्लावर बनके रेडी है। इसी तरह से हम और एक फ्लावर दूसरे वाली डोरी पे अटैच कर लेंगे सिलाई करते हुए।
दोनों तरफ देखिए दोनों डोरी पे मैंने फ्लावर को अटैच कर दिया है। अब अच्छे से इस पे गांठ लगा देना है। तो देखिए मैंने अच्छे से ब्लाउज में गांठ लगा दिया है। तो फ्रेंड्स आज की ये हमारी सिंपल सी ब्लाउज की डिज़ाइन बनके कंप्लीट है। आज की ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ब्लाउज की डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लाउज डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।